खबर वाराणसी से, फिल्म द केरल स्टोरी को मिला संतों का समर्थन। काशी में बड़ी संख्या में फिल्म के समर्थन में संत देशवासियों से संतों ने की फिल्म देखने की अपील। फिल्म द केरला स्टोरी के रिलीज होते ही अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, स्वामी बालक दास सहित दर्जनों की संख्या में साधु संत वाराणसी के सिगरा स्थित आईपी मॉल में पहुंच गए, जहां उन्होंने फिल्म देखी और तर्क भी दिए। साथ ही उन्होंने इस फिल्म को देखने की लोगों से अपील भी की। वाराणसी के सिगरा स्थित आईपी मॉल में फिल्म देखने के बाद स्वामी जितेंद्रानंद ने पत्रकार वार्ता में कहा कि ये केरला में हिंदू लड़कियों के गायब होने वाली हजारों लड़कियों की स्टोरी है, जिसको सभी को देखना चाहिए। वहीं इस अवसर पर उन्होंने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले की फिल्मों में सनातन धर्मों को गलत बताया जाता था। फिल्मी कहानी सामाजिक जो बदलाव हो रहे हैं उसका खुलासा करती है और साथ ही साथ एक संदेश ये देती है कि जो आधुनिकता के नाम पर हम अपने धर्म, अपने रीति रिवाजों और संस्कारों को पिछड़ेपन की निशानी मान के भूलने की बात करते हैं और कहीं ना कहीं अपने माँ बाप और बड़ों को जो हम धीरे धीरे छोड़ने लगे उनकी बातों को सोचते हैं कि पिछड़ेपन की सोच है, इससे अपना आँखें खोलने का काम करती है और ख़ासतौर से नए बच्चों को संदेश देती है कि आप भावनाओं में बह करके थोड़ा सा अपने विवेक को मत खोएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई राजनीतिक संगठनों ने फिल्म को बैन करने की मांग की है, आपको क्या लगता है ये होना चाहिए? राजनीतिक कारण है अपनी जगह पे, और लेकिन जहाँ तक मैं ये फिल्म राजनीतिक से ज़्यादा सामाजिक मानता हूँ, तो इसलिए इसका राजनीतिक विरोध करना तो कहीं से उचित। तो क्या मानते हैं प्यार में फंसा कर धर्म परिवर्तन करवाने जैसे मामलों में रोकने के क्या उपाय हैं? प्यार में फंसा कर धर्म परिवर्तन से रोकने का मामला कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ वो जो व्यक्ति है उसकी विवेक, उसका सोच और अपने बड़ों की बातों को मानना और अपने संस्कारों से जुड़े रहना ही आपको बचा सकता है। केरला स्टोरी, केरला स्टोरी, केरला स्टोरी, हाँ, ये क्या मानते हैं कि फिल्म वास्तव में आतंकी साजिश का खुलासा करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल होता है देश में कई राज्य जो दिखाया जा रहा है और जो कि लास्ट में जो मूवी के बिल्कुल लास्ट के पार्ट में दिखाया गया है, जो मतलब प्रूफ दिए गए हैं, जैसे निमा हो गई और उनके पेरेंट्स हो गए, तो उनके ओपिनियन से तो ये लगता है ट्रू स्टोरी है। तो क्या मतलब जो कई राज्य संगठन फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसी मूवीज तो बननी चाहिए जिससे मतलब एक रियल जो स्टोरी जो चल रहा है उसको मतलब इंसान देखे और सतर्क रहे। इसमें जो दिखाया गया है मूवी में उसके अकॉर्डिंग तो वो उसको पता ही नहीं लग रहा था वो इस चीजों में फंस रही थी, पर वो ये बी अवेयर फ्रॉम दैट टाइप ऑफ थिंग्स, यू नो। अब देखिए आतंक की जहां तक बात है, क्योंकि फिल्म जो है वो कई तरह से आधारित होती है, उन्हें पीछे जो हुआ है उन घटनाओं पर आधारित होती है या फिर कभी कभी काल्पनिक होती है, लेकिन आतंकवाद एक जहर है। क्या कई राजनीतिक संगठनों ने जो फिल्म है केरला फाइल उसको बैन करने की मांग की है, वो भी देखने के बाद आपको क्या लगता है होनी चाहिए? नहीं देखिए, अगर मैं जहाँ तक पिक्चर की बात करूँ तो उसे एक कलाकार बनाता है, एक कला है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें हैं। राजनीतिक इसमें स्टंट लाना, ये सिर्फ राजनीति को अपनी तरफ मोड़ना, मतलब उन चीज़ों को अपनी तरफ मोड़ना कहा जाएगा, बाकी राजनीतिक इसमें ना हस्तक्षेप करें तो ज़्यादा बेहतर है। प्यार में फंसा कर धर्म परिवर्तन करवाने जैसे मामलों पर रोक के लिए आपकी नज़र पर क्या उपाय है? देखिए धर्म परिवर्तन जहाँ तक गुमराह करके लोगों को जो भटकाया जाता है उसे कहते हैं, लेकिन जब हम अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपने समाज को वो शिक्षा देंगे कि क्या सही और क्या गलत, समाज क्या कहता है, समाज में क्या करना चाहिए, उन सब की शिक्षा अगर घर से ही चलेगी तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी कभी। मेरा नाम आयुष सिंह है। कौन सी फिल्म देखी थी आपने? अभी केरला फिल्म देख के। कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी, बहुत अच्छी। क्या फिल्म की कहानी वास्तव में आतंकी साजिश से खुलासा करती है? कहानी है, हाँ कुछ ना कुछ तो करती है, बिल्कुल करती है, बिल्कुल। कई राजनीतिक संगठनों ने फिल्मों को बैन करने की मांग की है, मूवी देखने के बाद आपको क्या लगता है बैन होनी चाहिए? बैन तो नहीं होनी चाहिए, अच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्यार में फंसा कर धर्म परिवर्तन करवाने जैसे मामलों पर रोक के लिए आपकी नज़र में क्या उपाय है? अब उपाय जो इसमें दिखाए गए हैं कि हमें उसे पुलिस से कांटेक्ट में रहना चाहिए या दूसरे और चीज़ों से करना चाहिए, पेरेंट्स की बात सबसे पहले माननी चाहिए। अब आप वो नहीं मानेंगे तो फिर कैसे कुछ हो सकता है, तो पेरेंट्स की बात सबसे पहले सुननी चाहिए आपको।